जनपद हरदोई में 31 लोकसभा शाहबाद विधानसभा में युवा सम्मेलन में आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यादव शाहबाद में युवा सम्मेलन में आए। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी जय प्रकाश रावत के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हरदोई की दोनों लोकसभा को जिताने के लिए लोगों से संकल्प लिया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जय प्रकाश रावत को मत देखिए, ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप मोदी को देखें, लोकसभा की सभी सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। पूरा विश्व मोदी को जिताने में लगा है मगर पूरा विपक्ष मोदी को हराने में लगा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किए होते तो सपा बसपा एक साथ नहीं होते। 2014 में जैसे आप लोगों ने हरदोई की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, वैसे ही 2017 में जिले की सभी विधानसभा में आपने जीत दर्ज की एक सीट सपा की थी, वो भी अब हमारे साथ है। अब बारी है 2019 की। आप सभी का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। लोगों से वचन देते हुए बोले कि आप सभी लोग कहें तो मोदी जी को बता दें, हरदोई की लोकसभा यहां की जनता जिताकर भेजेगी। कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए कहा कि आप आज से कड़ी मेहनत करें, रात दिन लगे रहें। सम्मेलन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा कि सीमा पर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने जो काम 65 साल में नहीं किए वो काम मोदी सरकार ने 55 महीनों में करके दिखा दिया। वहीं सम्मेलन में मुख्य रूप से हरदोई के जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, प्रभारी सुधीर सिंह सिद्धू, विधायिका रजनी तिवारी, सवाईसपुर विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, रानू नितिन अग्रवाल, अशोक सिंह, राजेंद्र मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनाथ त्रिपाठी, अंकित मिश्रा, गोपाल त्रिपाठी, अमित मिश्रा, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा, नगर अध्यक्ष अमर रस्तोगी, पारुल दीक्षित, प्रीतेश दीक्षित, युवा मोर्चा के अध्यक्ष आकाश सिंह, संदीप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नवनीत गुप्ता, राम स्नेही मिश्रा के साथ जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपू अवस्थी की रिपोर्ट, शाहबाद हरदोई।